अब आएगा ना मजा। से गाइस अभी तक आवाज आ रही थी कुछ दौड़ने की। क्या कलर है तो यहाँ से अपना हल्का फुल्का ट्रैक शुरू होता है इस लोकेशन पे। दोस्तों एक बार पहले भी हम दोनों ने साथ में कैंपिंग की है, जो हमारी फर्स्ट नाइट कैंपिंग थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप दोनों के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वो देखो अगला बंदा अभी पीछे ही है, आराम आराम से लेट लतीफ़ आदमी, एक नंबर के आलसी हैं भाई। तो बस पहुँचने वाले हैं लोकेशन पे। वो देखो ट्राईपॉड रख के छोटा मोटा सूट। आज अगले भाई को ना विंटर की वो याद आएगी ना, देखो कच्छे में चप्पल में, ये देखो ये। तो दोस्तों वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका हम दोनों के एक और नए कैंपिंग व्लॉग पे, जो कि आज होने वाली है अपनी ग्रुप कैंपिंग। क्यों बड़े टाइम के बाद, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया यार मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग दोस्तों अब 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली को कंप्लीट कर चुके हैं। एक अलग अचीवमेंट था यार, बहुत सारे लोगों का मैसेज कमेंट आए थे, तो सभी को शुक्रिया, वो भी दिल से। बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, जल्दी से जल्दी अब जो नेक्स्ट टारगेट मैंने रखा है उसको अचीव करवा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। बाकी यार बहुत सारे लोगों की डिमांड है नया टेंट, मेरे को भी पुराने टेंट में मज़ा आ नहीं रहा है, तो नया टेंट भाई ऑर्डर किया है। आज तो पहुंचा नहीं था हमारे यहाँ पे ना, 3-4 दिन, कम से कम 4 दिन तो लगते ही लगते हैं किसी भी ऑर्डर को पहुँचने में, तो शायद कल या परसों में पहुँच जाएगा। तो जो अगली वीडियो आएगी वो नए टेंट के साथ आएगी। बाकी वादियाँ देखो गजब की हैं, और अभी शाम होने से पहले ना फटाफट टेंट पिच कर लेते हैं। आज ना कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट होने वाली हैं। वैसे तो है ही क्या, रात में हम लोग जब भी साथ में रहते हैं तो इस वाले टेंट में ही सोते हैं, तो आज मैं इसे यूज करने वाला हूँ और मेरा 2 पर्सन भाई यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों अब फाइनली अपना टेंट पिच हो गया यार, अपना कह रहा हूँ, होने को आशीष भाई का है ये, लेकिन आज अपने वाली फीलिंग आ रही है, एक ही बात है। और सामान रख लेते हैं इसके अंदर। अब जला लेते हैं लाइट। देखो इतना ज़्यादा
ओस पड़ने लग गई है, गीला हो गया मैट अपना। ये आ गया भाई बैग। आप लोग बताना कि ये टेंट कैसा है। 3 पर्सन 4 क्लच का रेड वाला, बहुत ज्यादा स्पेस है यार। और सबसे बढ़िया बात ना, इसको पिच करने में बहुत आसानी होती है। अब मैं भाई को दे देता हूं पानी, है ना। तो एक काम करते हैं, चाय बनाते हैं एक ही जगह, क्यों? आओ। पानी और साथ में केतली। ठीक है, तुम बनाओ चाय। और इनको रख देते हैं यहाँ। चलो भाई, अभी देखो ओस कितनी ज्यादा हो रखी है ना, भयंकर वाली। कॉम्पैक्ट और किफायती टेबल, बस जिनने ये मुझे दिए ना, कवर नहीं दिया इसका, बाकी तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। और ये आ गया अपना मसाला बॉक्स। और इसमें है आज की अपनी वेजेस। बहुत ज्यादा तेज है भाई ये गैस ना। चलो यार, शुक्र है। ब्यूटेन सिलेंडर के लिए थोड़ा सा परेशान था, कहीं कम ना हो। तब नेपाल गांव है सामने में, तो वहां की लाइट चमक रही है, देखिए कितना मस्त लग रहा है। कप निकाल के साइड में रख लेता हूँ क्योंकि चाय बन रही है, अभी चाय पीने जाऊंगा। और दूध का पैकेट भूल चुके हैं वो आज हम, है या नहीं है? शुक्र है दूध का पैकेट है अपने पास। अच्छा प्याज खराब नहीं है भाई, पनीर से ना पानी रिस गया इस पे, मैं तो डर गया था। ये वाली पॉलीथीन हो जाएगी डस्टबिन के तौर पे। भाई बना रहे फर्स्ट क्लास चाय आज, देखो पुराने लुक में देखोगे आप आशीष भाई को छोटे वाले टेंट में। हाँ वैसे ना टाइम से बना लेते हैं, बिल्कुल, जिससे कि साथ में बैठ के मजे ले सके। हाँ चाय भी रेडी होगी, अन्नदा आ जाओ फिर। है पक्का? हाँ हाँ आ जाओ। क्या बात कर रहे हो, कप लेके आ जाओ अपने भाड़े कुणे लेके। फिर से चाय गिरा दी, देखो इसी के तो मजे हैं। आओ जल्दी आओ यार, कप लेके आ जाओ अपना। ओहो इसको खाते हैं यार, इसमें बड़ा मजा आता है चाय के साथ। चलो चाय तो देखो कैसी बनी है। चाय है या कॉफी? कॉफी है भाई, ये कॉफी। मुँछा झड़ा दिया यार मैंने, अजीब ही। हाँ देख रहे हो ये। चीयर्स अगेन। चीयर्स। मस्त बनी है, बढ़िया ना। एक ही बात का गम हो रहा है, इनको खात नहीं खाया यार बस। तो भाई आज की चाय और शाम अन्नदा के नाम है, क्योंकि इनके चैनल पे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो एक बार बधाइयां। धन्यवाद। पहली कैंपिंग हमने साथ में यहीं की थी, और आप सभी लोगों को हाँ दिल से धन्यवाद भाई फिर से। अब चाय पी के आगे थोड़ी थोड़ी एनर्जी, और इसके बाद ना पहले टमाटर साफ करते हैं। चलो भाई। अब भाई कल एक बंदे का क्या कमेंट आया था कि तुम लोग
ड्रिंक वगैरह भी करते हो। हाँ। पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया, फिर उसको मैंने रिप्लाई दिया, इमोजी भेज दिया हंसने वाले। क्या क्या कहाँ से देख लिया कह रहे हो? हमको ड्रिंक करते हुए। अच्छा, क्यों हम करते हैं क्या? पता नहीं, उस भाई को पता होगा। अरे, और उसके बाद वो इतना चिढ़ गया कि गाली गलौज में उतर आया। बताओ, मैं तो जो हेट कमेंट्स मेरे को वैसे फिलहाल तक तो नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो मैं कभी कमेंट से रिप्लाई नहीं देता हूँ। कोई कोई कर ही देते हैं यार, बेचारों के मन की जैसी नहीं होती तो ना। प्याज कट गया, इसे निकाल लेता हूँ। अब बारी है इसकी, ये पनीर को मैश कर लेता हूँ मैं। बढ़िया, ये देखो बर्तन गर्म हो गया, अब डालो तेल। अब सबसे पहले इस पे डाल देते हैं प्याज। इस पे मिर्च ऐड करने का, और इसके बाद टमाटर। सबसे पहले नमक, बहुत ही कम मात्रा में। क्या है कि मिर्च सीलन वगैरह से ख़राब हो जा रही थी, तो मैंने पैकेट ही रख दिया ऐसे। अब टाइम है ना इस पे ये पनीर ऐड करने का। निकल जा भाई। जैसे रात बढ़ रही ना, वैसे वैसे आवाजें भी आ रही हैं। अब पहाड़ी हिरन भी चिल्लाने लग गया। औसम चीज बन रही है। हाय हाय, कैंपिंग में क्या है कि बर्तनों की बहुत कमी रहती है। अभी अभी मैंने बर्तन खाली किया, सब्जी एक दूसरे बर्तन में खाली कर ली, और इसी पे मुझे आटा लगाना है, और इसी पे रोटी भी बनेगी अभी। ये है भाई पहाड़ी मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं जिसको, हम लोग घर में बना लेते हैं बारीक पीस के। गरम मसाला, और दोस्तों अब टाइम है फटाफट रोटियां बना लेने का। तो लोइयां बना लेता हूँ मैं फटाफट। थोड़ा सा ना आटा गीला है, अगर 10 से 15 मिनट में छोड़ूंगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अब छोड़ने का टाइम है नहीं। रोटी बनाने को आओगे मदद करने, सेकने के लिए? हाँ, आ जाऊंगा। कुर्सी लेके आओ और सेक दोगे ना? दोनों जने करेंगे। अरे वाह यार, अनुदार रोटियां बहुत बढ़िया बनेंगी। तो दोस्तों ये देखो, परफेक्ट गोल गोल रोटियां, ये देखिए। वाह, एकदम गोल है भाई। सीख गए हो? सीख गए हो। अच्छा मुगजगरिया, तो विंटर का टाइम है भैया, रोटियां ही खानी पड़ेंगी। अरे मजे भी उसी में है भाई, रात में तो रोटी में मजा आता है।
अब बताओ, ये कह रहे थे फटाफट फटाफट ये बेल दो और क्या फूली गुरु, ओए होए मजा आ गया। बढ़िया फूल की ना एकदम यार, लेकिन मेरे हाथ में एकदम, लेकिन पकाओ पूरे प्रॉपर। हाँ हाँ नहीं, कच्ची कच्ची अरे कहाँ है कच्ची, देखो ये एकदम पक्की पकी है। यार कैसी बात कर दी तुम मेरे पकाने पे, हैं मेरे आदमी को पका डालो बोल बोल के, हैं और तुम रोटियों की बात कर रहे हो भाई। लांछन लगा रहे हो। भाई देखो ये कैसे गोल फूल की है। आ रही है ये आवाज। आ भाई, औसम भाई, मौसम ना ये तो बहुत तगड़ी आवाज आई अभी। देखना पड़ेगा रे बाबा। टॉर्च कहाँ है? मैं तब तक एरिया चेक करता हूँ। गाइस यार अब ना यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल होते जा रही है, क्योंकि ये वाली जो साइड है इससे ऐसा लग रहा कुछ दौड़ भी रहा है और कुछ स्मेल भी आ रही है, लेकिन अब डर बाहर की मत तो काम जाओ ना। चलेगा नहीं। अरे बाहर दूर को मत जाओ है, रुको मैं भी आता हूँ। हाँ ये वाली साइड से गाइस अभी तक आवाज आ रही थी कुछ दौड़ने की। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। बस यार निर्भर जी, गजब गजब भाई वाह। ये मेरी कटोरी अब नहीं रहा जाता भाई खाना खाने बिल्कुल से, नहीं। अब तो उठाओ और दबाओ। ये अन्नदा की है पनीर भुर्जी, ठीक है, और जो मैंने बना रखा है, हाय हाय वाह, ये देखो भाई लजीज था पनीर, वाह। चलो भाई इस तरफ पहले तो अरे ये भी तो सूखी हो रखी है, तो कटोरी भी पनीर अच्छी है। क्यों है, पनीर गिर गई बढ़िया से। बाकी का लेते रहेंगे ठीक है, और इस तरफ पड़ेगी भाई पनीर भुर्जी अन्नदा की बनाई हुई, वाह वाह जी वाह। क्या कलर है, मजा है ना। अरे ऑसम। थैंक यू ब्रो। दोनों चीजें जबरदस्त बनी है। लो जी भाई फिर लेते रहेंगे ठीक है। ओके बताया अपना ये पनीर ग्रेवी वाला, ये वाले ग्रेवी चेक करो, भुर्जी टेस्ट करो। करता हूँ। और आप भाई का बनाया हुआ। यार खुले आसमान के नीचे मजा आ गया। भुर्जी का इतना सॉलिड स्वाद आया ना। अभी तक मैं उस पर शिफ्ट ही नहीं हो पा रखा हूँ। एक बात देखो, जिन दिनों मैं लुधियाना से कॉलेज करता था ना, वहां पे एक भाभी जी बनाती थी ऐसा पनीर की भुर्जी। भाई साहब वो ही स्वाद आ रखा है आज। चल भाई अब टेस्ट करते हैं पनीर भुर्जी। मजा आ गया जबरदस्त बनी है। अब जाके देखो यार, सोने को आए हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर आपको टाइम बताऊं तो आज तो भाई हद हो गई, 11:43, 15-20 मिनट में खा लिया होगा। 11:15-20 तक हम लोग फ्री थे। उस टाइम से अभी तक बात है कि सामान वगैरह समेटा और अभी टेंट के अंदर आ गए हैं भाई। बढ़िया से मजा आया है ना। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आपको मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए
गुड नाइट। हाय हाय, देखा, तभी तो कह रहा था मैं, वहां नहीं सोते यहाँ सोते हैं। वाह यार क्या। अब देखो ना, इस तरीके से हम लोग कभी सोए ही नहीं है टेंट में, आज पहली बार सो रहे हैं। थैंक यू बोलो मेरे से। थैंक यू यार। अब बात करो बढ़िया से ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो ना, जंगल में यार हम लोग ऐसे मस्त खुला टेंट करके सो रखे हैं। मैं देख मेरे सपनों के सौदागर। गया। एक बार फोन दो यार, अपना मैं वाला गाना सुनना चाहता हूँ। क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई चारों तरफ। और वो सामने में है खेती खान मार्केट, और पीछे हल्का हल्का हिमालय दिख रहा है। ये देखिए, आज इतना ज़्यादा अच्छे से विजिबल है नहीं क्योंकि धुंध लगी हुई है। जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा वैसे वैसे हिमालय भी क्लियर होता जाएगा। देखिए, इतनी दूरी पे हमने टेंट पिच किए थे अपने दोनों, और कितनी सुंदर लोकेशन है यार। और इस तरफ से हो रहा है सनराइज, सुबह सुबह के नज़ारे और अल्टीमेट वाइब्स। और टेंट के ऊपर देखिए ओस की बूंदें, क्या गजब लग रही हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, और भाई अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ निपट चुकी है, और देखिए धूप कितनी तगड़ी आ गई। बाकी अब निकलते हैं इस लोकेशन से। और आप लोगों को हमारा ये कैंपिंग ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अब फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, टिल देन, हमेशा की तरह गुड बाय।